भाजपा के 16 उम्मीदवारों की घोषणा और कई नेताओं को पार्टी में शामिल करने के बाद कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदलने का फैसला लिया है। इसके चलते कांग्रेस ने अजमेर, जालौर, सिरोही, नागौर, झुंझुनू, चूरू, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अजमेर सीट पर नए पैनल तैयार किए हैं। गौरतलब है कि बुधवार देर रात को दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी और प्रदेश में कैंपेन की बैठक चली। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, प्रभारी अविनाश पांडे, संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल और उनके सचिव काजी निजामुद्दीन और प्रचार समिति के प्रमुख रघु शर्मा भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव गहलोत को जालौर से उतारने की रणनीति बनाई गई है। तो वहीं गुटबाजी में उलझी झुंझुनू सीट पर भाजपा की बागी संतोष अहलावत के नाम पर भी चर्चा की गई है। हमारी कैंपेन स्ट्रेटजी क्या रहेगी उसके ऊपर बातचीत हुई है और जो पब्लिसिटी कंटेंट्स क्या रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में चुनौती देना है तो हम दमदार तरीके से न केवल हमारा कैंपेन करेंगे बल्कि हमारा एडवर्टाइजमेंट भी उसी ढंग का होगा। हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, हमारी जो स्टेट की इलेक्शन कमेटी है उनके मेंबर्स से, तमाम लोगों से पिछले कई दिनों से फीडबैक लिया जा रहा है और शक्ति से जुड़े हुए लोगों से डायरेक्ट हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट आदरणीय राहुल गांधी जी की टीम के द्वारा फीडबैक लिया जा रहा है। हमारे जो 51,000 बूथ बीएलए हैं हमारे, उनको जिनको हमने ट्रेंड किया है उनको भी हमने कनेक्ट किया अपने वेबसाइट पे और उनसे भी पूछा जा रहा है। तो जिस ढंग से आम आदमी की राय शुमारी ली जा रही है कांग्रेस पार्टी में, मैं समझता हूँ अच्छे उम्मीदवार। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।